हेलो गाइस, दिस इज विशाल पचौरी एंड हम डिस्कस करने वाले हैं आईओटी के लिए। तो हमारे लास्ट बैक में दो चैप्टर हो चुके हैं। लाइक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ रोड मैप के बारे में कि लाइक रोड मैप क्या क्या रहेगा। तो उस बारे में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और वहाँ पर हमने मशीन लैब सेटअप किया था सेकेंड में, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईओटी है क्या। ओके, व्हाट इज आईओटी एंड कैसे काम करती है आईओटी, वो बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यूजेस ऑफ आईओटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आईओटी, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। तो आईओटी क्या है तो बात कर लेते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बात करते हैं। इंटरनेट बेसिकली आप सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। डिवाइसेस या इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक इंटरनेट। थिंग्स, यहाँ पर आप थिंग्स को बोल सकते हो कि लाइक आपका कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी डिवाइसेस आपका थिंग्स में काउंट होता है। तो जो भी आप रेडियो जैसे आपके थिंग्स में बोल सकते हैं, रेसबरी पाई बोल सकते हैं, ठीक है, हैकआरएफ, प्लेटआरएफ, जितने भी डिवाइसेस हैं वो भी आपके काउंट होते हैं। और भी होते हैं, जैसे वाईफाई प्रिंटर्स हुए, एलेक्सा हुआ, रबर डकीज हुई, आर्डिनोस डिवाइसेस हुए, वो भी थिंग्स में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपको आईओटी एक सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि लाइक आईओटी है क्या। आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन को छोड़ के जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क पे वर्क करते हैं और सेंसर भी काम सेंसर वर्क सेंसर पे वर्क करते हैं, तो वो आपके आईओटी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये क्या होता है कि ह्यूमन का जो काम होता है, इंसानों के काम को आसान करने के लिए आपके आईओटी डिवाइसेस को बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप रिमोटली कनेक्टेड कर सकते हैं, रिमोटली कनेक्ट कर लेते हैं एसी के साथ, आप रिमोट से ही बैठ के एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, आपका एक आईओटी डिवाइसेस ही है, ठीक है ना। एंड्रॉयड टीवी, आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड टीवी को और रिमोटली कनेक्शन भी यूज कर सकते हो, तो ये भी एक आईओटी डिवाइसेस है, राइट। एलेक्सा, आप उसको कुछ बोलकर सर्च करवा सकते हो एंड उसका रिजल्ट भी पा सकते हो। तो एलेक्सा के अंदर सेंसर्स लगा होता है वॉइस कंट्रोल का, तो वो भी आपका एक आईओटी डिवाइसेस है, वो भी वाईफाई से नेटवर्क पे वर्क करता है। तो आईओटी डिवाइसेस क्या है, आपके ह्यूमन का क्या होता है, एक काम को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका आईओटी, राइट। यूसेज ऑफ आईओटी में बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सस्ता होता है एंड सेंसर बेस्ड होता है, तो सेंसर बेस्ड रिलायबल होता है। जैसे आपका आजकल लोग बीपी चेक करने के लिए मशीन रखते हैं बहुत सारी, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्मार्ट वॉच भी ले सकते हो। स्मार्ट वॉच के तरीके से आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, आपके फीचर्स भी ऐड होते हैं उसके अंदर। जैसे आपकी एक वॉचेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपका लाइक फोन के मैसेजेस भी आ सकता है, आप उससे फोन की चीजें चेक कर सकते हैं, मैसेज चेक कर सकते हैं, फोन भी चेक कर सकते हैं किसी का फोन नहीं आ रहा हो, एंड लाइक आपकी कुछ प्रॉब्लम हो, हेल्थ में इश्यूज हो, वो भी आपको बता देगा, क्योंकि आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर क्या होता है, हेल्थ सेंसर्स होते हैं। तो ये एक यूजेज है कि लाइक एक्सेस कर अफोर्डेबल भी है और रिलायबल है सेंसर से, राइट। यहाँ पर सेकंड आती है कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्लाउड पे अवेलेबल रहती है, तो हमारी चारों तरफ आजकल क्लाउड ही चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्लाउड्स के ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे हम कल एक डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि लाइक क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्लाउड्स भी होती हैं आपकी इसमें इंटीग्रेट, क्योंकि आपका जितना भी आईओटी का जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पे क्लाउड का यूज होगा, ठीक है। और ये ज्यादातर आपकी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो मशीन लर्निंग के अंदर एंड एआई टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके यूसेज, राइट। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आईओटी। टाइप्स ऑफ आईओटी में फर्स्ट आता है आपका कंज्यूमर आईओटी। कंज्यूमर आईओटी के अंदर आपके डेली यूजेस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं कंज्यूमर आईओटी। जैसे आपके होम अप्लायंसेस, जैसे मैंने अभी बताया, लाइक आपके फिलिप्स के बल्ब होते हैं, स्मार्ट बल्ब होते हैं, राइट। आपकी कुछ एलईडीज होती हैं जो कि सेंसर पे वर्क करती हैं, ठीक है ना। एंड वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जैसे आपके गूगल असिस्टेंट हुआ, आपका एलेक्सा हुआ, तो ये आपकी क्या है, कंज्यूमर आईओटी है, राइट। कमर्शियल आईओटी, कमर्शियल आईओटी आपके हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे आपके मैंने अभी बताया बीपी मशीन, तो वहां पर आपके सेंसर्स होते हैं, हेल्थ सेंसर्स होते हैं, जैसे प्रेशर चेक करना, बीपी प्रेशर चेक करना, ठीक है ना। एंड
ऑक्सीजन वगैरह की चेक करना, लाइक ये सारी चीजें, नर्व्स चेक करना, पल्स चेक करना, तो ये भी एक आईओटी डिवाइसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड मॉनिटरिंग्स भी होती है, मॉनिटरिंग्स होती है, तो ये भी आपके कमर्शियल आईओटी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है ना। मिलिट्री थिंग्स लाइक आपकी मिलिट्री में भी यूज होती है आईओटी डिवाइसेस। आपने देखा होगा कि लाइक कुछ गन्स ऐसी बनाई गई हैं एआई के ऊपर कि लाइक उनकी रडार के अंदर, जो उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई अगर प्लेन या कोई एडवांटेज अनवांटेड कोई बाहर का क्राफ्ट एयरक्राफ्ट आ जाता है तो उस पर फायर करने लग जाते हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कमांड सेट है, लाइक आपको कोई अनवांटेड ट्रैफिक दिखे अपनी तरफ आता हुआ या कोई चीज अपनी तरफ आती हुई दिखे तो वो सेंसर उनको फैच आउट कर लेते हैं एंड सेंसर उनको एक कमांड्स भेजते हैं गन्स को एंड कहते हैं फायर करो, तो वो फायर करने लग जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें मिलिट्री के अंदर भी यूज करी गई है, तो मिलिट्री में भी आपका आईओटी डिवाइसेस का यूजेस होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भी आपके यहाँ पर होता है, देखा होगा आपने स्मार्ट एग्रीकल्चर आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो वो आपके वहां पर क्या होते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ग्लोबल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें लगाई जाती हैं, कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं, कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पे। अगर कूलिंग ज्यादा हो गई है तो हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर जितने भी लाइक टेम्परेचर बेस्ड सेंसर्स होते हैं वो आपके स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल आईओटी में भी यूज होते हैं। और फायर अलार्म हुआ आपका, वो भी सेंसर बेस्ड होता है, जब उसको फायर मिलती है उसे लगता है कि लाइक यहाँ से धुआं ज्यादा आ रहा है, फायर हो लग चुकी है, आग लग चुकी है, तो वो फायर अलार्म क्या होता है, एक नोटिफिकेशन भेजता है एंड सायरन बजाना स्टार्ट कर देता है। तो इंडस्ट्रियल आईओटी के अंदर भी ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी आपकी स्मार्ट सिटीज के अंदर यूज होती है, ठीक है ना। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर्स एंड आपके कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं कि लाइक आपके डैम वगैरह बनते हैं, तो डैम बनाने के लिए आपके कुछ सेंसर्स का यूज होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कि लाइक वाटर लेवल इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, अगर वाटर लेवल उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो डैम क्लोज हो जाते हैं, एंड या फिर वाटर लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है तो डैम को ओपन करना या क्लोज करना तब उस टाइम काम आ जाता है। अर्थक्वेक भी आता है आपका, अर्थक्वेक में भी आता है तो उसके लिए कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं आजकल, तो अर्थक्वेक को नापने के लिए कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी में आ जाता है, राइट। तो ये गाइस आपके तीन टाइप्स ऑफ आईओटी में काउंट होंगे, कंज्यूमर आईओटी, कमर्शियल आईओटी, मिलिट्री आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट आईओटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी, ठीक है ना। तो ये आपके टाइप्स हैं और हमने डिस्कस किया यूसेज ऑफ आईओटी एंड व्हाट इज आईओटी। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।